Hello to all, myself Neetu Rani, assistant professor, and today's our topic is social research and social survey. और ये जो topic है वो graduation part 2 के students के लिए निर्धारित है, जो उनके syllabus के paper 4 के अंतर्गत आता है. तो आज हम इस topic के अंतर्गत जानेंगे जो समाजशास्त्र में दो विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धतियाँ, जिसे हम सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे के रूप में जानते हैं, उन दोनों की विधि क्या है और उस विधि की क्या प्रक्रिया है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके चरण क्या हैं और उन दोनों विधियों के बीच कौन कौन से अंतर हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन की बात करें तो ए सोशल सर्वे in its broadest sense has a reference to a first-hand investigation, analysis and coordination of economic, sociological and other related aspect of a selected community or a group. तो सामाजिक सर्वेक्षण की जो विधि है, अगर हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो बात यहाँ यह आती है कि एक इसके अंतर्गत वृहद पैमाने पर एक आंकड़े जो है वो एकत्रित किए जाते हैं. यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम शोध करते हैं या किसी सोशल फिनोमेन या फैक्ट्स के बारे में जब हम शोध करते हैं, तो इस विधि के अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चयनित समुदाय होता है या फिर समूह होता है, उसके सामाजिक, आर्थिक या अन्य पक्षों से संबंधित हम बातों का निरीक्षण करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो फर्स्ट हैंड होता है. यानी यह जो है एक प्राथमिक अध्ययन पद्धति है जिसके बारे में किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या सर्टेन सोशल फिनोमेन के बारे में, सोशल फैक्ट के बारे में हम विश्लेषित अध्ययन करते हैं. जबकि रिसर्च जो है, रिसर्च इज डिफाइंड as the scientific and systematic investigation for searching in-depth information about certain social, geographical and political phenomena. तो रिसर्च जो होती है वो एक ऐसी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अनुसंधान की विधि के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं, जो किसी सर्टेन सोशल, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल फिनोमेन या परिघटना के विषय में गहन सूचनाओं के संकलन से संबंधित होती है. यानी इसके इस विधि के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में गहन सूचनाओं को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं या फिर ज्ञात करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सर्वे की. तो द सोशल सर्वे मेथड हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ सीकिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स. मेन टूल यूज्ड इन सोशल सर्वे टू कलेक्ट डाटा इज क्वेश्चनायर. बेस्ड ऑन द देयर नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेवरल टाइप्स ऑफ सर्वे आर आइडेंटिफाइड. तो जब हम सर्वे के विभिन्न मेथड्स या कह सकते हैं सामाजिक सर्वेक्षण करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे सोशल सर्वे जो होता है उसका जो अल्टीमेट गोल होता है या कहें हम अंतिम जो लक्ष्य होता है वो सीकिंग ऑफ सोशल फैक्ट, यानी सामाजिक यथार्थ को जानने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हम सोशल सर्वे का प्रयोग करते हैं. उसका लक्ष्य जो होता है, सोशल सर्वे या सामाजिक सर्वेक्षण का लक्ष्य जो होता है वो सामाजिक परिघटना के यथार्थ का पता लगाना होता है. और सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण में जो टूल्स यूज होते हैं जिसके द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं या सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए मूलतः जो है वो प्रश्नावली, जो एक टूल है, एक प्रकार का टूल है, मेथड है डाटा कलेक्शन का, उसका प्रयोग होता है. यहाँ पर अगर प्रश्नावली को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो यह कह सकते हैं कि प्रश्नावली जो होती है वह किसी सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित जो होती है, एक प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची होती है, लिखित सूची होती है, जिसके आधार पे हम सर्वे करते हैं या सर्वेक्षण को करते हैं. अगर हम उनके प्रकारों की बात करें, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करें,
तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है इंटरव्यू सर्वे। तो इंटरव्यू सर्वे में होता यह है कि यहाँ पे हम प्रश्नों की एक सूची बनाते हैं, जिसे हम बैठकर यानी जो रिसर्चर होता है या जो अध्ययन करता होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपने सूचनादाताओं के सामने बैठकर यानी आमने सामने बैठकर फेस टू फेस उस क्वेश्चन को पूछता है और उसके क्वेश्चन के जो उपलक्ष्य में या उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स आते हैं, जो सूचनाएं आती हैं, वो उसे कलेक्ट करके अपने सर्वे को निर्धारित करते हैं। और उसके बाद का जो प्रकार है वो है पोस्टल सर्वे। तो पोस्टल सर्वे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे जब अध्ययनकर्ता का जो अध्ययन क्षेत्र होता है, जो उसका फील्ड होता है, यदि बहुत व्यापक हो तो वहाँ पे वो इस तरह के सर्वे का प्रयोग करता है। यानी वो अपने सूचनादाताओं से जो सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहता है, वो उसे बाय पोस्ट, मतलब उसे बाय पोस्ट भेजता है अपने सूचनादाताओं के पास, और वो जो सूचनादाता होता है वो उन प्रश्नों से संबंधित जो होता है उत्तरों को एक विपत्र जो संलग्न होता है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आयर के साथ, वो उसको उनको भर के वो वापस अध्ययनकर्ता के पास या रिसर्चर के पास भेज देते हैं। तो इस तरह से एक अध्ययनकर्ता या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर उस विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन करता है। और तीसरा आता है टेलीफोनिक सर्वे या टेलीफोन सर्वे। तो टेलीफोनिक सर्वे में यहाँ पे जो क्वेश्चन आयर होता है या जो प्रश्नों की सूची होती है, उसे जो अध्ययनकर्ता होता है वो फ़ोन के द्वारा अपने सूचनादाताओं से पूछता है, और सूचनादाता फ़ोन पर ही उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सूचनाओं का या डाटा का कलेक्शन करता है। और लास्ट वन है ऑनलाइन सर्वे। तो जहाँ तक अगर ऑनलाइन सर्वे की बात करें, तो ये बहुत ही अभी प्रचलन में है या बहुत ही अभी सिग्निफिकेंट रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे होता है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ट्विटर हो या एफबी हो, यूट्यूब हो, तो इन पे किसी विषय से संबंधित पोस्ट डाले जाते हैं या उस विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची जो है वो फ्लैश होती है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिसको जो व्यूअर होते हैं वो उन्हें देखकर उन सूचनाओं के अकॉर्डिंग प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो उन्हें भेजते हैं। और इस तरह से एक सोशल मीडिया का सर्वेक्षण जो होता है वो पूरा होता है, और उससे बहुत सारे परिवेश और बहुत सारे व्यक्तियों के रूप के अध्ययन करके हम उससे डाटा का कलेक्शन करते हैं या सूचना को इकट्ठा करते हैं, जो रिसर्च वर्क में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इस तरह से ऑनलाइन सर्वे भी एक प्रकार है सामाजिक सर्वेक्षण का। आगे हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सोशल सर्वे। तो जो सोशल सर्वे या सामाजिक अनुसंधान की जो विधि है वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, जिसके आधार पे एक अध्ययनकर्ता जो होता है वो किसी सोशल फिनोमेन या सोशल फैक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सूचनाओं का संकलन करता है। तो वो स्टार्ट होता है एक्सिक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द सर्वे। तो सबसे पहले इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी जो सोशल सर्वे का सब्जेक्ट है जो या जो विषय है वो उसका लक्ष्य क्या है, यानी उसका सर्वेक्षण का लक्ष्य क्या है, वो किस ऑब्जेक्ट को लेके सर्वे को करना चाहता है, सबसे पहले उसका निर्धारण करना आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स आता है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, यानी अध्ययनकर्ता जो अध्ययन करना चाहता है किसी विषय के बारे में तो या समस्या के, सामाजिक समस्या के बारे में, तो पहले हम उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, पहले उस समस्या को डिफाइन करते हैं कि हमें किस विषय पर अपने सर्वे को करना है, अपने सर्वेक्षण को करना है। थर्ड स्टेप आता है डेलिमिटेशन ऑफ द एरिया और स्कोप ऑफ स्टडी। तो जब हम एक बार अपने सब्जेक्ट का निर्धारण कर लेते हैं या रिसर्चर अपने सब्जेक्ट का निर्धारण कर लेता है, वो इस सब्जेक्ट पे सर्वे करना चाह रहा है,
तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो उसको डिफाइन करता है, उसको उसका एक लिमिटेशन करता है कि मुझे इस एरिया के अंदर जो है इस विषय से संबंधित सर्वेक्षण करना है। उसके बाद का स्टेप है एग्जामिनेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस और सोर्सेस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। तो इसके बाद रिसर्चर जो होता है, अगर कुछ अवेलेबल हो एविडेंस या कुछ सोर्स उपलब्ध हो जो उस समस्या से संबंध रखते हो, तो उसका भी परीक्षण कर लेता है, यानी जिससे कि उसे ज़्यादा सटीक और उस विषय के संबंध में ज़्यादा सटीक समझ विकसित हो या समस्या को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। फिर उसके बाद का स्टेप्स आता है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनायर और शेड्यूल। क्योंकि हमने यहाँ समस्या या सोशल फैक्ट या सोशल फिनोमेन के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, तो अब हमको उस सब्जेक्ट के ऊपर या रिसर्चर को उस सब्जेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चनायर या फिर शेड्यूल, जो प्रश्नों की सूची होती है, क्वेश्चनायर जो होती है प्रश्नों की सूची होती है, शेड्यूल भी प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसका प्रयोग हम इंटरव्यू में करते हैं या फिर केवल शेड्यूल के रूप में भी करते हैं, तो उसका जो है उसका पूरा एक शेड्यूल या फिर क्वेश्चनायर उस विषय से संबंधित तैयार करता है रिसर्चर। उसके बाद का प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ द एनालिटिकल प्लान। यानी जब हम क्वेश्चनायर तैयार कर चुके हैं, शेड्यूल तैयार कर चुके हैं कि हमें इन प्रश्नों को पूछना है, तो उसका एनालिसिस किस प्रकार से होगा या स्टैटिकल होगा या किस प्रकार से उन चीज़ों को हम एक योजनाबद्ध से विश्लेषित करेंगे, उसका एक प्लान एक योजना तैयार करना होता है। उसके बाद बात आती है फील्ड वर्क की। तो फील्ड वर्क टू कलेक्ट डाटा, यानी जब हम सूचनाओं को इकट्ठा करना है उसके लिए हमें किसी क्षेत्र में जहाँ सर्वेक्षण करना है उसके लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जा चुका है, तो हमें उस क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को इकट्ठा करना होगा, डाटा को कलेक्शन करना होगा, तो ये फील्ड वर्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है अरेंजमेंट टेबुलेशन एंड स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। यानी हमने जो सर्वेक्षण किया, फील्ड वर्क किया, उससे जो डाटा का कलेक्शन हुआ, तो उसको किस प्रकार से अरेंज करना है, उसका टेबुलेशन किस प्रकार से करना है, उसका सारणीकरण करना है और उसका सांख्यिकीय निरूपण स्टैटिकल एनालिसिस करके डाटा को एक बेस प्रदान करना है, उसे एक विश्लेषणात्मक रूप में उसका एक निरूपण करना होता है। उसके बाद लास्ट में बात आती है प्रेजेंट फाइंडिंग्स टू अदर फॉर क्रिटिकल इवोल्यूशन एंड इंटरप्रटेशन ऑफ द अदर्स ऑफ द रिजल्ट। तो यानी जो हमने अपने टेबुलेशन के द्वारा, अपने स्टैटिकल एनालिसिस के द्वारा जो डाटा प्राप्त किया, जो विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकाला, फाइंडिंग्स निकाला, तो उसका जो है उसका हम एक समालोचनात्मक इवोल्यूशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और इस तरह से उसके निष्कर्ष को प्रेजेंट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं जो दूसरों के लिए भी समझने के योग्य हो, जो दूसरे भी इस सर्वेक्षण के मुख्य बातों को समझ सके, उसके निष्कर्ष को समझ सके, इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एक सामाजिक सर्वेक्षण की विधि जो होती है वो संपन्न होती है। अब आगे बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च की, यानी सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके आधार पे एक सोशल रिसर्च की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और अपने निष्कर्ष तक, अपने फाइंडिंग्स तक पहुंचती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो रिसर्च का स्टेप है, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, तो उसमें सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर किसी सामाजिक समस्या या जो विषय जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस समस्या को जानना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये समस्या है, इस पे हमें शोध करना हो है आगे। तो आगे बात होती है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की। तो हाइपोथेसिस जो होता है, हम फॉर्मुलेट करते हैं उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर जो हमने रिसर्च टॉपिक चुना है उसके ऊपर एक रिसर्चर जो होता है वो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करता है
एक वो जो फॉर्मुलेशन होता है वो एक तरह से कार्यवाहक विचार होता है जिसके अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, उसका निर्माण होता है। उसके बाद हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू पर, अर्थात यदि उस विषय पर, उस टॉपिक पे कोई पहले शोध हो चुका है या अनुसंधान हो चुका है तो हम उसका रिव्यू कर लेंगे, जिससे कि हमारा अनुसंधान जो होता है वो ज़्यादा सटीक हो, साइंटिफिक हो और बहुत ही डेप्थ में, यानी गहन रूप से हम चीज़ों को सामने ला सकें। उसके बाद बात आती है डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा की, यानी उसके बाद हम डाटा को, यानी उस विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन करते हैं। उसके बाद का स्टेप है डाटा एनालिसिस। तो हम आगे बढ़ते हुए डाटा को एनालिसिस करते हैं, यानी हमने जो सूचनाओं को इकट्ठा किया उसे हम विश्लेषित करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वो स्टैटिकल हो या फिर उसे उसका पूरा परीक्षण और निरीक्षण करके, उसका विश्लेषण करके एक निष्कर्ष को हम निकालते हैं। उसके बाद बात आती है डाटा रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन की। तो हमने जो डाटा रीड किया, जो फाइंडिंग्स निकाले और जो जो निष्कर्ष डाटा एनालिसिस के बाद हमें प्राप्त हुआ उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, उससे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर आगे का स्टेप है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस वेदर इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जो शुरुआत में हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया था तो उसकी बात करते हैं कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाया, जो हमारे अनुसंधान को दिशा दे रही थी, तो वो जो हाइपोथेसिस था वो किस हद तक हमारे फाइंडिंग्स के अंतर्गत सही साबित हो रहा है या फिर गलत साबित हो रहा है, ये चीज़ की हम टेस्टिंग करते हैं। और लास्ट में आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें जो हमारा जो टोटल रिसर्च का जो चरण था वो सारे चरणों को स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं और फाइंडिंग्स में हमने क्या पाया, एक उसकी पूरी टोटल रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस तरह से सोशल रिसर्च का जो स्टेप्स है वो पूरा होता है और एक सोशल रिसर्च की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं। इस प्रकार हमने सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे दोनों के स्टेप्स के बारे में चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, यानी सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च इन दोनों के बीच क्या अंतर है, या ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है उसकी बात करते हैं। जिसमें से पहला अगर हम देखें तो वो है ए सर्वे इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स टू कंडक्ट ए रिसर्च, वाइल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए टारगेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट समथिंग बाय यूजिंग सैंपल। तो यहाँ सर्वे जो है वो एक तरह से एक प्रकार की टेक्निक है जो रिसर्च के कंडक्ट होने में, रिसर्च को कराने में सहयोग देती है, या उसका एक उसके अंदर आने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। जबकि रिसर्च जो है वो एक तरह का ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम टारगेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट हो या सोशल फेनोमेना या सोशल कोई प्रॉब्लम हो उसके फैक्ट्स के बारे में, सिर्फ उसी उसी टॉपिक से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो सैंपल या प्रतिदर्श विधि के द्वारा होता है। सेकेंड है ए सर्वे मे बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। ए सर्वे सिंपली कलेक्ट्स डाटा। रिसर्च में इन्वॉल्व एडिशनल स्टेप्स सच एज एनालिसिस ऑफ लिटरेचर टेस्ट्स, कंप्यूटेशन, जनरेटिंग द एक्चुअल सर्वे इत्यादि। तो सर्वे जो है मे बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी रिसर्च प्रोजेक्ट का जो है या सामाजिक अनुसंधान का जो प्रोजेक्ट होता है, सामाजिक सर्वेक्षण उसका एक पार्ट हो सकता है, पार्ट हो सकता है। बट रिसर्च जो होता है, मतलब जिसमें हम रिसर्च करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहन और विस्तृत विस्तृत प्रक्रिया है। जबकि सामाजिक सर्वेक्षण उससे वो उसका एक पार्ट हो सकती है जिसमें हम सिंपली वे में डाटा को कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। और जहाँ तक रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च में
उसके मतलब जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसके जो स्टेप्स है उसके अलावा को अलावा कुछ एडिशनल स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात करें तो सच एज एनालिसिस ऑफ लिटरेचर टेस्ट, यहाँ पर हम उस विषय या फिनोमेन या सोशल फैक्ट्स से रिलेटेड जो है बहुत सारे लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो ये एडिशनल स्टेप्स हो जाता है। या फिर कंप्यूटेशन की बात करते हैं जहाँ पर उसका सूचनाओं का संगणकीकरण करते हैं या कंप्यूटर से उस डाटा का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी नए तरह का हम एक तरह से उसमें नए सर्वेक्षण को भी हम स्थान दे सकते हैं। यदि हमें किसी अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं का कलेक्शन करना है तो उसके लिए हम सर्वेक्षण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान जो हो वो जो विधि है वो सामाजिक सर्वेक्षण से बहुत ज़्यादा ही विस्तृत और ज़्यादा गहन सूचनाओं को कलेक्ट करने की विधि है। आगे हम बात करें तो द पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च इज डिस्कवर द कोर्सेस ऑफ ए सोशल फिनोमेन और टू द इंक्रीज नॉलेज अबाउट ए सोशल सर्वे इज नॉट टू इंक्रीज नॉलेज बट इज रिलेटेड टू वेलफेयर साइड ऑफ सोसाइटी। द रिजल्ट ज्वाइंट फ्रॉम सोशल सर्वे हेल्प्स एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोसीड इन नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व ए सोशल प्रॉब्लम। तो सर्वे एक ऐसी विधि है जहाँ पे उसका जो मेन जो लक्ष्य होता है वो संबंधित जो सोशल फिनोमेन से संबंधित या उसके कोर्स से संबंधित जो होता है वो होता है। यानी सोशल रिसर्च जो होता है मुख्यतः किसी सोशल फिनोमेन या सोशल प्रॉब्लम या सोशल फैक्ट से संबंधित सूचनाओं का गहन विश्लेषण कर ज्ञानार्जन से संबंधित होता है, उसके बारे में ज्ञान की जो स्तर है उसको बढ़ाने से संबंधित होता है। जबकि सोशल सर्वे की अगर बात करें तो सोशल सर्वे जो होता है वो ज्ञानार्जन या ज्ञानवर्धन से संबंधित नहीं होता है, बल्कि अंतिम में वो सोसाइटी का जो वेलफेयर पक्ष होता है, यानी सोसाइटी के जो समस्याएं हैं या सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके समाधान के पक्ष से उनके कल्याण के पक्ष से रिलेटेड होता है। और इसीलिए ये जो होता है वो सामाजिक सर्वेक्षण जो होते हैं जनरली गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो उनके लिए एक बहुत ही नेसेसरी जो है सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं जिससे कि किसी सोशल फिनोमेन या सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके या उससे सॉल्व करने में मदद में काम आते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो इस अर्थ में सोशल जो रिसर्च है या अनुसंधान है उससे ज़्यादा व्यापक दिखता है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सुधारने में या उसे सॉल्व करने के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेफरेंसेस की बात है दी गई है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने इसके चरणों की चर्चा की, इसके मेथड्स की चर्चा की, और फिर इसके बाद इन दोनों यानी सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे में क्या डिफरेंसेस हैं उनकी भी बात की। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है उस पर हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और उस पर चर्चा कर ली है, जो आशा है आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।